और सब बढ़िया दोस्तों। आज जो है हम काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बना रहे हैं। अभी पिछले 3-4 महीनों से क्या है ना कि हम हमारे कुछ कामों में व्यस्त हो गए थे, इसी वजह से हम आपको हमारे चैनल पे व्लॉग या फिर कोई भी अपडेट का वीडियो देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन आज से जो है हम एक बार फिर से जो है व्लॉग का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और आज जो है ना हम जा रहे हैं बीकानेर से जयपुर के लिए, और हम जा रहे हैं 12404 बीकानेर प्रयागराज सुपर फास्ट एक्सप्रेस में। ये ट्रेन जो है पहले बीकानेर से चला करती थी, लेकिन अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले ही जो है इस ट्रेन को लालगढ़ तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और आज हम इस ट्रेन को लालगढ़ से ही बोर्ड करने वाले हैं दोस्तों। सुबह एकदम सही समय पर हम लालगढ़ जंक्शन आ गए हैं, और आज सुबह जो है ना वो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है। और दोस्तों ये जो सामने आप ट्रेन लगी हुई देख रहे हैं, यही है 12404 लालगढ़ प्रयागराज सुपर फास्ट एक्सप्रेस। दोस्तों वैसे इस ट्रेन में हमने पहले भी सफ़र किया हुआ है जब इसमें डीजल लोको लगा करता था, लेकिन जो है ना अब इस ट्रेन में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ये ट्रेन चलती है। और पहले क्या है ना कि बीकानेर से चलती थी, लेकिन नॉन ऑला जो है अब इसको हम लालगढ़ तक एक्सटेंड करा दो यार। पहले दिक्कत हो तो यार बीकानेर जाके यार इसीलिए जो बोलोगे यार लालगढ़ तक एक्सप्रेस कर एक्सटेंड कर दो, अब तुल्डी पर मोहे कोई दिक्कत ना होती है, लाला सीधा घर से छत पर दौड़े दौड़े आते हैं और चले जाते हैं यहाँ पर। यार लाला चुल्डी ना कहीं भी आगने बैठ जाते हो यार, जल्दी चलो लाला ट्रेन चलने वाली है, 7:35 को टाइम है, आगो 7:35 में निकल जाओ। देखो लाला लालगढ़ से चुल्डी जल्दी चलो बेटा। भैया कुछ खाना उन्हें खिलाइएगा। अरे चुल्डी को भूख लग रहा है भैया, सुबह सुबह उठा के ले आए हैं, कुछ पोहा वोहा खिला दीजिए ना। नो लाला देखो जो पहले कल रात को खाए हुआ है वहाँ को निकालो लाला, वहाँ के बाद फिर आगे भी खिलाएंगे यार, ऐसी बात ना लाला, चलो लाला जल्दी चलो यार। तो आज हमारी ट्रेन में लगा हुआ है कानपुर शेड का WEB 7 लोकोमोटिव। दोस्तों आज ये ट्रेन फतेहपुर शेखावटी होते हुए जयपुर की तरफ जाएगी। एक इसकी दूसरी रैक भी है जो कि लोहारू होते हुए जयपुर की तरफ जाती है। तो दोस्तों हम पूरे 6 महीने के बाद लालगढ़ जंक्शन पर आज आए हैं, और आज जो है मौसम तो बड़ा ही सुहाना है, लेकिन उमस जो है वो थोड़ा परेशान कर रही है। हालांकि ट्रेन में बैठेंगे थोड़ी हवा लगेगी तो सब बढ़िया लगने लग जाएगा। बाकी बहुत दिनों के बाद वापस से अपने पुराने शहर में आकर हमको बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों लालगढ़ जंक्शन का स्टेशन कोड है LGH। यहाँ पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, और वर्तमान में यहाँ पर 24 ट्रेन आकर हॉल्ट करती है। 8 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है, और बीकानेर जंक्शन से ये स्टेशन मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लालगढ़ से सूरतगढ़, फलौदी और बीकानेर जंक्शन की तरफ लाइन निकलती है, इसीलिए हम इसे लालगढ़ जंक्शन कहते हैं। और दोस्तों ये जो 3-4 महीने का हमारा समय निकला है ना जिसमें हम कुछ भी चैनल पे डाल नहीं पाए, उस समय पर भी जो है हमारे साथ काफ़ी लोग बने रहे, आपने कमेंट्स किए, चाहे हमारे हमें कुछ फीडबैक दिया कि हमें क्या सुधार करना चाहिए, जो भी है। तो उन सभी चीज़ों के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी जो है ना इनएक्टिविटी के दौर में भी आप हमारे साथ बने रहे, तो ये हमें जो है बहुत मोटिवेट करता है। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे, और आज का जो सफ़र है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के शुरुआत से लेकर अंत तक। आज की जो हमारी यात्रा है वो होने वाली है स्लीपर क्लास में, और आज हमें मिली है एक लोअर और एक साइड लोअर सीट। और क्योंकि ये ट्रेन जो है बीकानेर से बिल्कुल खाली चलती है, इसलिए हम जिस सीट पर चाहें वहाँ पर सोकर जा सकते हैं। तो हमारी ट्रेन लालगढ़ जंक्शन से अपने निर्धारित समय पर निकल चुकी है। दोस्तों हमारी ट्रेन आ चुकी है इसके पहले हॉल्ट बीकानेर जंक्शन पर। इसका स्टेशन कोड है BKN। और दोस्तों जो बीकानेर है ना वो अपने नमकीन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। आप देखिए बीकानेर जंक्शन से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं ना तो खाने पीने की यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, आपको बहुत ही लजीज़
यहाँ का जो है बीकानेरी व्यंजन और समोसे कचौड़ी तो आपको यहाँ पर हर जगह मिल ही जाएंगे। बाकी देखिए अगर बात करें इस ट्रेन की तो यहाँ पर इसका आने का समय था 7:50 और बीकानेर जंक्शन पर इस ट्रेन का 20 मिनट का हॉल्ट होता है और 8:10 पर ये ट्रेन यहाँ से निकल जाती है। दोस्तों वैसे तो हम बहुत सारे छोटे बड़े स्टेशन पर गए हैं लेकिन बीकानेर जंक्शन हमें इसलिए बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था जो है वो हमेशा उत्तम बनी रहती है। कभी भी आप यहाँ पर आ जाओ एक तो यहाँ पर शांति आपको मिलेगी और साफ़ सफाई भी बहुत ही अच्छी मिलेगी यहाँ पर। बीकानेर जंक्शन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है और यहाँ से आपको देश भर के सभी मेजर शहरों के लिए कनेक्टिविटी मिल जाती है। बीकानेर जंक्शन पर वर्तमान में 38 ट्रेन आकर हॉल्ट करती है और यहाँ से 25 ट्रेनें ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। बीकानेर जंक्शन पर 20 मिनट के ठहराव के बाद अब हमारी ट्रेन यहां से निकल चुकी है। और ये जो साइड में आप लाइन देख रहे हैं ये बीकानेर से मेड़ता रोड जंक्शन की तरफ चली जाती है और हमारी जो ट्रेन है वो रतनगढ़ जंक्शन वाली लाइन पर निकल चुकी है। तो हमारी ट्रेन आ गई है श्री डूंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर। इसका स्टेशन कोड है SDH और यहाँ पर सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म्स हैं और वर्तमान में यहाँ पर 34 ट्रेन आकर हॉल्ट करती है और कोई भी ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं होती है। इस ट्रेन के यहाँ आने का समय था 9:11 लेकिन लगभग 5-7 मिनट की देरी से यहाँ पर आई है और यहाँ पर इस ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। और देखिए ये जो है इस ट्रेन का 4th हॉल्ट है। इससे पहले नापासर और सूरसर करके 2 हॉल्ट और थे जिन्हें हमने स्किप कर दिया और 2 मिनट रुकने के बाद अब हमारी ट्रेन श्री डूंगरगढ़ रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है।
तो बेटे सब के सब मेरे बच्चे हो, सामने ये बाबू बाबू नहीं बोलना, इनका नहीं छेड़ूंगा बेटे। दोस्तों आज हम इस ट्रेन के स्लीपर क्लास में सफ़र तय कर रहे हैं और बीकानेर से जयपुर के बीच में आपको इस ट्रेन के स्लीपर क्लास में एक व्यक्ति का किराया पड़ेगा 275 रुपये। और देखिए ये जो ट्रेन है बीकानेर से जयपुर के बीच में ट्यूसडे वेडनसडे फ्राइडे और संडे को चलती है, और है ना इसके अलावा जो बाकी के 3 दिन हैं उसमें ये ट्रेन जो है लोहारू वाले रूट से होते हुए जयपुर की तरफ जाती है। दोस्तों इस वक्त हम गुजर रहे हैं रतनगढ़ जंक्शन के आउटर से, और ये जो साइड में आप लाइन देख रहे हैं ये डेगाना से रतनगढ़ की तरफ आ रही है। हमारी ट्रेन एंटर कर चुकी है रतनगढ़ जंक्शन पे, और आप देख सकते हैं कि रतनगढ़ जंक्शन पर भी रेनोवेशन का काम चल रहा है और इसके साथ ही यहाँ पर ट्रैक्स बिछाने का काम भी चल रहा है। तो दोस्तों 141 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है इसके 6th हॉल्ट रतनगढ़ जंक्शन पर। इसका स्टेशन कोड है RTGH। यहाँ पर टोटल 4 प्लेटफॉर्म्स हैं और वर्तमान में यहाँ पर 54 ट्रेन आकर हॉल्ट करती है और 6 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। रतनगढ़ से बीकानेर, सरदार शहर, चूरू और डेगाना के लिए लाइन्स निकलती है, इसीलिए हम इसे रतनगढ़ जंक्शन कहते हैं। यहाँ पर इस ट्रेन के आने का समय था 10:05, लेकिन लगभग 10-12 मिनट की देरी से ये यहाँ पर आई है और रतनगढ़ पर हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट होता है। ये जो साइड में आप ट्रैक देख रहे हैं ये नई ट्रैक है जिसे बिछाने का काम किया जा रहा है। रतनगढ़ से चूरू के 43 किलोमीटर के सेक्शन में ट्रैक को डबल करने का काम किया जा रहा है, और जब ये काम पूरा हो जाएगा तो इस सेक्शन में क्रॉसिंग की समस्या समाप्त हो जाएगी और जो है समय भी बचेगा। दोस्तों हमारी ट्रेन आ गई है चूरू जंक्शन पर। देखिए इसका स्टेशन कोड है CUR। यहाँ पर टोटल 4 प्लेटफॉर्म सर, वर्तमान में यहाँ पर 60 ट्रेन आकर होल्ड कर दी और 6 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। हमारे ट्रेन के यहाँ आने का समय था 11 बजे, लेकिन इसने हमें 7-8 मिनट पहले ही यहाँ पर पहुँचा दिया है और चूरू जंक्शन पर इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट होता है। देखिए हमने यहाँ से दुकान से लिया ये 20 रुपये का समोसा, और काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी में दिया गया है ये 20 रुपये में हमें समोसा, और अब मैं खा के आपको बताता हूँ कैसा है। दोस्तों ये समोसा है ना एक तो काफ़ी गरम गरम और बिल्कुल खस्ता है, बहुत ही बढ़िया समोसा ये। हम जब भी यहाँ से जाते हैं ना तो इस दुकान से हम समोसा ज़रूर लेते हैं। और जो है ना चूरू जंक्शन पर भी रिनोवेशन का काम काफ़ी जोरों शोरों से चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर जगह पर काम किया जा रहा है, इसी वजह से जो है ना फिलहाल थोड़ी असुविधा का कारण है, लेकिन आने वाले भविष्य में जब ये काम हो जाएगा ना तो बहुत ही अच्छा होने वाला है ये स्टेशन।
ये सब खाना वाना लेने में हमारा काफ़ी समय निकल चुका है, इसलिए हम आपको घूम घूम कर यहाँ पर नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन इस वीडियो में जितना आप देख सकते हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर काम किया जा रहा है। दोस्तों हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, इसलिए चूरू जंक्शन से जो हमने 2 गेंडे रूपी समोसे और एक कोल्ड ड्रिंक लिया था उसे हमने खाना पीना शुरू कर दिया। और इसी खाने पीने के दौरान जो है चूरू जंक्शन पर लगभग 15 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन यहाँ से निकल गई। दोस्तों ये जो आप चाय में लाइन देख रहे हैं ये चाटलपुर की तरफ चली जाती है। दोस्तों ये जो बिल्कुल साइड में आप लाइन देख रहे हैं ना, ये लोहारू जंक्शन की तरफ से सीकर की तरफ आ रही है और हमारी ट्रेन चूरू जंक्शन से आई है सीकर की तरफ। तो दोस्तों हमारी ट्रेन आ गई है सीकर जंक्शन पर, इसका स्टेशन कोड है SIKR। यहाँ पर टोटल 4 प्लेटफॉर्म्स हैं और वर्तमान में यहाँ पर 34 ट्रेन आकर हॉल्ट करती है और 6 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। देखिए हमारी ट्रेन का यहाँ आने का समय था 12:25, लेकिन लगभग 5 मिनट की देरी से ये यहाँ पर आई है और यहाँ पर इस ट्रेन का सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट होता है। दोस्तों सीकर से चूरू लोहारू और रिंगस के लिए लाइन्स निकलती है, इसलिए हम इसे सीकर जंक्शन कहते हैं।
दोस्तों ये साइड वाली लाइन रेवाड़ी जंक्शन की तरफ से रिंगस जंक्शन की तरफ आ रही है। तो दोस्तों हमारी ट्रेन आ गई है रिंगस जंक्शन पर। इसका स्टेशन कोड है RGS। यहाँ पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स है और वर्तमान में यहाँ पर 66 ट्रेन आकर हॉल्ट करती है और 2 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। और देखिए यहाँ पर इस ट्रेन के आने का समय था 13:10, 2-3 मिनट की देरी से यहाँ पर आई है और यहाँ पर इस ट्रेन का सिर्फ 3 मिनट का ही हॉल्ट होता है। और यहाँ पर रिंगस जंक्शन पर आते ही इस ट्रेन में बहुत ही ज़्यादा भीड़ जो है चढ़ चुकी है। स्लीपर क्लास में भी काफ़ी सारे लोग चढ़ चुके हैं और जनरल क्लास की स्थिति जो है ना वो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बहुत भीड़ चढ़ जाती है यहाँ से। और दोस्तों रिंगस से सीकर, फुलेरा, जयपुर और रेवाड़ी के लिए लाइन्स निकलती है, इसलिए हम इसे रिंगस जंक्शन कहते हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद हमारी ट्रेन रिंगस जंक्शन से निकल चुकी है। दोस्तों रिंगस जंक्शन के बाद एक इंटरमीडिएट स्टेशन आता है जिसका नाम है छोटागुड़ा। और देखिए रिंगस से छोटागुड़ा के बीच में हमारे राजस्थान का सबसे लंबा रेलवे ओवरब्रिज आता है जिसकी लंबाई लगभग 7.8 किलोमीटर है। तो अभी थोड़ी देर के बाद ही आपको उस ब्रिज का नज़ारा भी देखने को मिलने वाला है। दोस्तों ये साइड वाली लाइन फुलेरा जंक्शन की तरफ जा रही है और हम निकल चुके हैं जयपुर जंक्शन जाने वाली लाइन पर। और जो बिल्कुल लेफ्ट साइड में आप ट्रैक देख रहे हैं ये वेस्टर्न DFC की ट्रैक है जिसपे सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियाँ दौड़ा करती है। दोस्तों ये जो नीचे आप लाइंस देख रहे हैं ये वही लाइन है जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, ये रिंगस जंक्शन की तरफ से आ रही है और फुलेरा की तरफ निकल जाती है। दोस्तों इस साइड वाली लाइन मेड़ता रोड जंक्शन की तरफ से जयपुर की तरफ आ रही है। दोस्तों तो फाइनली हम आ गए हैं जयपुर जंक्शन पर। इसका स्टेशन कोड है JP। और देखिए यहाँ पर इस ट्रेन के आने का समय था 14:35, लेकिन आउटर पर ये हमेशा ही आके खड़ी हो जाती है इसलिए ये 15 मिनट की देरी से यहाँ पर आई है। और रिंगस से जो है ना इस ट्रेन के स्लीपर क्लास में बहुत ही ज़्यादा भीड़ चढ़ गई थी और जयपुर से तो फिर इसमें और भी ज़्यादा भीड़ जो है चढ़ जाती है। तो यही थी हमारी आज की जर्नी बीकानेर से जयपुर के लिए 12404 बीकानेर प्रयागराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अब मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और जर्नी पर। तब तक के लिए साइन इन ऑफ, जय हिंद। दोस्तों आज की जो हमारी जर्नी है वो होने वाली है बीकानेर से जयपुर के लिए और आज हम सफ़र कर रहे हैं 12404 बीकानेर प्रयागराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। और दोस्तों इस ट्रेन का जो है दोस्तों वैसे तो हमने काफ़ी सफ़र किया है और काफ़ी सारे छोटे बड़े स्टेशन पर हम गए हैं, लेकिन बीकानेर जंक्शन की खासियत ये है ना कि हमेशा यहाँ पर जो है साफ़ सफ़ाई की व्यवस्था
लेकिन बीकानेर जंक्शन की खासियत ये है कि थोड़ा इधर आ, इसकी आवाज़ आएगी। नौ बजे बाथरूम में बैठ दो यार, और नहीं सकता और मैं खुद बाथरूम में चला जाऊँ, ये मैं और लेना दूंगा। सब कुशल मंगल है ना।